हेलो एवरीवन, तो मैं हूँ एडवोकेट तुलसीराम सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। देखिए, जैसे कि मैं अपने लास्ट वीडियो में बहुत सारी वीडियो में बता चुका हूँ जो कंज्यूमर से रिलेटेड है, मैंने साफ साफ बता चुका हूँ कि देखिए, हर आदमी कंज्यूमर होता है, चाहे वो स्टूडेंट हो, बिजनेसमैन हो, या आम आदमी हो, या किसान हो, कोई भी, या कोई भी हो, एक्स वाई जेड, हाउस वाइफ हो, एडवोकेट हो, सीए हो, पुलिसमैन हो, आर्मी मैन हो, एयरफोर्स वाला हो, कोई भी हो, एक्स वाई जेड, मतलब इस दुनिया में जितने लोग भी जितने लोग इस हैं, मनुष्य की बात मैं कर रहा हूँ, सारे कंज्यूमर हैं, सारे ग्राहक हैं। और देखिए, उनके कुछ अधिकार दिए गए हैं। अब होता क्या है, इन सब चीज़ों को क्या कहते हैं, इन सब चीज़ों को जो अधिकार दे, पहले क्या होता, क्राइम को रोकने के लिए लॉ बनाया गया था, नियम बनाया गया था। बट चूंकि क्या है, अब हर चीज़ व्यापार बनता चला जा रहा है, हर चीज़ व्यापार बन रहा है, दूध व्यापार हो गया, मतलब हर चीज़ में लोग पैसे को देखने लगे हैं, ना कि नाम, वो सारी चीज़ें नहीं देखते, क्वालिटी नहीं देखते, लोग पैसे को देखने लगे। जब मिलावटखोरी ज़्यादा बढ़ने लगी, आउट ऑफ कंट्रोल हो गए, जालसाजी होने लगी ग्राहकों के प्रति, तो फिर लोगों को देखा गया, ठीक है, सरकार ने देखा, मतलब काफ़ी जो बड़े विद्वान लोग होते थे, उन्होंने देखा कि बड़ी सारी दिक्कतें आ रही है, तो उन्होंने क्या कहता हूँ, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बनाया, 1986 में बनाया था, 3 दशक बाद इसका नाम चेंज करके, ठीक है, और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 कर दिया गया। अभी यही नहीं, इसी को उपभोक्ता संरक्षण ई कॉमर्स नियम 2020 में भी, मतलब समय समय पे सिचुएशन के हिसाब से, कंडीशन के हिसाब से कानून में बदलाव होता गया और होता रहेगा, क्योंकि समय बदल रहा है, तो उसके हिसाब से लोगों की ज़रूरत, जब ये कानून बनाया गया था तो उस समय लोगों की ज़रूरत कुछ और थी, बट आज कुछ और है, इसलिए उसके हिसाब से जब डिजिटल का ज़माना आ गया तो सारे, तो इसको ई कॉमर्स नियम बनाया गया, जिसको डिजिटल मीडिया कहते हैं। तो लोगों की प्रॉब्लम भी बढ़ी। अब आजकल देखते, ऐसे ऐसे मतलब जो कंपनियां हैं, ऐसे सेल्समैन रखती हैं जो प्रोडक्ट को में क्वालिटी का नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, क्वांटिटी भी अच्छी नहीं होती है, मतलब वो क्या कहते हैं, पलक झपकते बंदे को माल सेल कर देते हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाती है, और उसमें एक आम आदमी जो गाहक होता है वो बेचारा बेवकूफ़ बनता है, क्वालिटी अच्छी नहीं मिलती है, उसमें मिलावटखोरी होती है, जिससे उसके स्वास्थ्य पर, चूंकि पैसा तो पूरा दे रहा है, तो अगर वो पैसा पूरा दे रहा है तो उसको एक अच्छी क्वालिटी का वो हकदार होता है। इसलिए जो अधिनियम, जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बनाया गया, ये उनको कंट्रोल करने के लिए बनाया गया, कि खास तौर पर जो उपभोक्ता से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, या जो मिलावटखोरी है, जो और 420 के जो 2 नंबर के काम होते हैं, उनको रोका जाए, इसलिए बनाया गया। तो इनमें कंप्लेन भी आती है, लोग गलत माल दे देते हैं, अब भुगता कहाँ जाए, अब सामान भी दे दिया, सामान ले लिया, पैसे दे दिया, घर आ गए, आप क्या करें। यहाँ तक कि अभी कल शाम, परसों की शाम की बात है, मेरे एक छोटे भाई का फोन आया, उसने बोला मैंने पंखा लिया था तकरीबन 2 महीना पहले, गर्मी जब था, और उन्होंने 2 साल की वारंटी, 24 महीने की वारंटी दी थी। अब वो मालिक के पास जाओ तो वो बीच में बोलता है कि भाई ये क्या नाम है, सर्विस सेंटर जाओ, सर्विस सेंटर जाओ, तो बोल रहे मालिक के पास जाओ। तो कहने का मतलब ये प्रॉब्लम हर किसी को हो सकती है, माल खरीद लेते हैं और दिक्कत आती रहती है, तो इसका तो एक ही सलूशन है कि डटकर मुकाबला करें। कैसे मुकाबला करें, मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा, आपको कंप्लेन कैसे करना होगा, अगर आप नहीं जानते कोई एडवोकेट का सहयोग कर सकते हैं। दूसरी बात मैं ये बताऊंगा, आप बिना एडवोकेट के भी अपना कंप्लेन कंज्यूमर कोर्ट में डाल सकते हैं, स्टेट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और क्या कहते हैं, नेशनल लेवल पे भी, राष्ट्रीय लेवल पे भी कंज्यूमर फोरम बनाए गए हैं, और जहाँ पे समस्याओं का समाधान होता है, आप ऑनलाइन जा सकते हैं, अगर नहीं समझ में आता तो एडवोकेट की मदद ले सकते हैं, और एडवोकेट नहीं मिल रहा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले जब हम कंप्लेन करते हैं, तो पहले क्या था, आप कोर्ट जाकर फिजिकली जाना पड़ता, बट आप आजकल जो भाग दौड़ की ज़िंदगी, इसमें आपको फिजिकली कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होगी, आप डायरेक्ट, मोबाइल आपके पास है ना, आप लोगों के सबके पास मोबाइल होगा, लैपटॉप होगा, कंप्यूटर होगा, क्योंकि अब डिजिटल ज़माना चल रहा है, तो वहाँ से भी कंप्लेन कर सकते हैं आप। और इस वीडियो के माध्यम से आपको हम गाइड करेंगे कैसे आपको कंप्लेन करना होगा, कैसे इसमें ऑनलाइन में क्या चीज़ें होती हैं, इसमें
देखिए, यूजर आईडी पासवर्ड मस्ट होता है इसमें। आप यूजर आईडी बनाएंगे, पासवर्ड बनाएंगे, कैसे सबमिट करना हो सारी चीजें मैं बताऊंगा, सारी डिटेल बताऊंगा, विस्तार से बताऊंगा। तो इसलिए वीडियो को छोड़कर बिल्कुल मत जाइएगा, और काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, आपको पूरा डिटेल बताऊंगा। क्योंकि हर आदमी कंज्यूमर है और किसी के साथ भी ये धोखाधड़ी मिलावटखोरी हो सकती है, तो इन सब से बचने के लिए आपको ये वीडियो देखना चाहिए। चलिए चलते हैं स्क्रीन पर। फाइनली हमने गूगल क्रोम खोल रखा है, आप गूगल पे भी कर सकते हैं, गूगल क्रोम पे भी खोल सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। एक्चुअली मैंने ऑलरेडी पहले से एक, जैसे कि आप देख रहे हैं, एक लिंक मैंने कॉपी कर रखा है, ठीक है। वो है ई दाखिल डॉट एन आई सी डॉट इन, फिर हाइफन है, फिर इंडेक्स डॉट एच टी। मतलब ये क्या गवर्नमेंट वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है। और ऐसा करने के बाद में फिर नीचे फिर हम सर्च करते हैं। सर्च करने के बाद में यह भारत सरकार की वेबसाइट खुल जाती है। यहाँ से इसको हटाते हैं, नीचे आते हैं, और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती है। बट एक्चुअली हमें बहुत सारी चीज़ें, ई दाखिल पे है, कंप्लेंट फाइलिंग मेड इजी, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं सारी चीज़ें लिखी हुई है। और हम कहाँ जाएंगे, इंटर वेबसाइट पर। वेबसाइट पर जाने पर होम पेज, ठीक है, एक बार मैं जूम करके दिखाना चाहूँगा। होम पेज, कंप्लेनेंट एप्लीकेशन, कंप्लेनेंट एडवोकेट सेक्शन, कंज्यूमर कमीशन सेक्शन, हेल्प यूज़र मैनुअल और यूजफुल लिंक, ये इतने सारे ऊपर मिलेंगे। नीचे आप, नीचे तो आपको ज़रूरत नहीं है जाने की। आप यहाँ पे करेंगे क्लिक कंप्लेनेंट ऑब्लिक एडवोकेट सेक्शन। चूंकि हम नए हैं तो अभी हम क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन खाली करेंगे। तो रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। इधर ही आपका सीरियल नंबर, देखिए ऑनलाइन कहाँ कहाँ पे कमीशन है, उनके एड्रेस, वो सारी चीज़ें दिए हुए हैं इधर। ये सारे स्टेट दिए हुए हैं इंडिया के, नेशन, स्टेट, कमीशन नेम, डिटेल्स, ये ऑन बोर्ड डेट। इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको हटाते हैं, हटा दिया। अब यहाँ कंप्लेंट का एक फॉर्म आ गया है, पर्टिकुलर फॉर्म है जिसको भरना होगा। यहाँ पर आप ईमेल आईडी डालिए, वैलिड ईमेल आईडी, पासवर्ड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए तो पासवर्ड भी डाल सकते हैं। फिर ये दो पासवर्ड होगा, एक बार इंटर पासवर्ड मैन पहला पास, उसके बाद इसको कंफर्म भी करना। मोबाइल नंबर डालेंगे जो चालू हो। यहाँ पे आपका एड्रेस डालना होगा, एड्रेस स्टेट सेलेक्ट कर लो। एड्रेस डालने के बाद यहाँ पर स्टेट, जिस स्टेट से आप हैं, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, पिन नंबर सेलेक्ट करेंगे। ये अगर आपका सेलेक्ट हो जाता है, उसके बाद में आपका एक साइड का जो कैप्चा था, मतलब क्या, सॉरी कहते हैं, जो आपका एक साइड का फॉर्म था वो सबमिट हो गया। अब पर्सनल इन्फॉर्मेशन में अगर हम जाते हैं तो नेम डालो कैपिटल लेटर में, फादर नेम, बर्थ ऑफ डेट, यहाँ बर्थ ऑफ डेट डाल दीजिए, टाइप कर दीजिए जो आपका है। फिर यहाँ पर आई डी प्रूफ सेलेक्ट करना पड़ेगा। आप आईडी प्रूफ सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आईडी प्रूफ सेलेक्ट करेंगे जिसमें वोटर आईडी, डीएल, राशन कार्ड, ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर यहाँ पे नंबर हो गया आपका डॉक्यूमेंट नंबर, जो डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे डालते हैं वो डॉक्यूमेंट नंबर हो गया। चूज योर फाइल, जब यहाँ फाइल चूज करके सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद अपलोड का ऑप्शन आता है, ये अपलोड वाला आएगा, ठीक है। जब अपलोड वाला करेंगे तो ये सारी चीज़ें थे, उसके बाद कैप्चा डालेंगे। तो एक बार क्यों ना ट्राई करके देखते हैं, जैसे यहाँ पे कोई ईमेल आईडी डालते हैं, एक ईमेल आईडी हमने डाल दिया, ईमेल आईडी, पासवर्ड डालेंगे, मोबाइल नंबर कोई भी डाल दीजिए, मोबाइल नंबर हो गया, और जैसे कि मैंने बताया था ईमेल आईडी हो गया, ईमेल आईडी, पासवर्ड डालिए स्ट्रॉन्ग, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, मोबाइल नंबर, एड्रेस डालिए। अगर स्टेट आप सेलेक्ट करेंगे तो इसमें बहुत सारे स्टेट आ जाते हैं, जो आपका स्टेट है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, उस स्टेट का कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कीजिए, पिन कोड डालिए,
एक साइड का अगर आपका जैसे भर, जैसे मैं दोबारा फिर बताना चाहूँगा, नेम डाल दीजिए एक्स वाई जेड जो भी नेम है, नेम वाला भर दीजिए, फादर नेम, बर्थ ऑफ डेट, आईडी प्रूफ सेलेक्ट कीजिए। तो जब आईडी प्रूफ की बात आती है तो इतने सारे आते हैं, वोटर आईडी, पैन कार्ड, पासपोर्ट, राशन कार्ड, ठीक है, बीपीएल, एवाई, आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस। ये होने के बाद में फॉर्म एक बार फिर से बैक हो गया है, ये सारा हो गया, आपने डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लिया, आईडी प्रूफ सेलेक्ट कर लिया, ये हो गया, आईडी सेलेक्ट हो गया, कौन सा ले रहे हैं, लाइसेंस डीएल कर सकते हो, राशन कार्ड्स कर सकते हो, चूज फाइल पे जाएंगे, फाइल का ऑप्शन आ गया, यहाँ से फाइल खोला, ठीक है, और मैं अभी के लिए एग्जांपल के लिए लाइसेंस सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। ये सेलेक्ट करने के बाद ये सारी डिटेल आ गया, फाइल नेम आ गया, यहाँ पे कितनी केवी का ये आ गया। उसके बाद में अपलोड पे जाएंगे, अपलोड करोगे ये फाइल तुरंत अपलोड हो जाएगी, ये कलरफुल हो गई, ठीक है। जब ये कलरफुल हो जाता है समझ लो कि आपका ये अपलोड हो गया। उसके बाद कैप्चा डालेंगे यहाँ पे, कैप्चा वाले खाना में कैप्चा डाल देंगे, जब कैप्चा डाल देते हैं फिर सबमिट पे कर देंगे। तो ये प्रोसेस था आपका रजिस्ट्रेशन का। जब आपका ये रजिस्ट्रेशन हो जाता है आप बैक करेंगे और अगेन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हो गया। फिर उसके बाद आता है वेरीफाई विद ओटीपी। वेरीफाई में क्या करना पड़ेगा, ठीक है, तो आपको दो तरह से वेरीफाई करना होगा, एक आपका ईमेल आईडी, दूसरा आपका फ़ोन नंबर। तो पहले ईमेल आईडी वेरीफाई करेंगे, ओटीपी डालेंगे, और जो ओटीपी आता है वो डालना होगा और कंटिन्यू करेंगे। जब ये प्रोसेस हो जाए फिर आपको दो नंबर पे सेलेक्ट करेंगे, फिर फ़ोन करेंगे, फ़ोन को भी वेरीफाई कर लेंगे, आपका फ़ोन और ईमेल आईडी दोनों वेरीफाई हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर यहीं पे आप क्लिक करेंगे, एक बार फिर से दिखा दूँ, हर चीज़ आपका यहीं से ऑपरेट होगा, करेंगे। उसके बाद लॉगिन ऑप्शन आता है, लॉगिन पे जाएंगे आप, अगर अपना यूज़र आईडी पासवर्ड बना रखे हैं तो जब आईडी यहाँ पे यूज़र आईडी डालिए, पासवर्ड डालिए, ठीक है, अगेन कैप्चा डालिए, और उसके बाद न्यू फॉरगेट तो नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पे न्यू केस फाइलिंग कर सकते हैं और लॉगिन कर दीजिए। तो आशा करता हूँ आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि कैसे आपको कंप्लेंट फाइल करना होगा अगेंस्ट किसी ट्रेडर्स के या किसी विक्रेता के। अगर आप कंज्यूमर हैं और आप किसी गलत चीज़, आपको कोई किसी ने सेल कर दिया, परचेज आपने कर लिया, तो उस अगेंस्ट जा सकते हैं। ऑनलाइन इसको ट्रैक भी कर सकते हैं कि आप आपका क्या ऑनलाइन पेश हो सकते हैं कोर्ट में, और इसको आप खुद कर सकते हैं, इसमें एडवोकेट की ज़रूरत नहीं होती है। बट अगर आप नहीं जानते हैं, आप केस चाहते हो कि अच्छे से आपका केस लड़ा जाए, तो आप एडवोकेट की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी, क्योंकि उसको सारी लीगल चीज़ें पता होती है। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आता तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम बहुत मेहनत से इस वीडियो को बनाते हैं, बहुत प्यार से बनाते हैं, तो एटलीस्ट आप लोग लाइक सब्सक्राइब ये करना मत भूलिए, क्योंकि इससे हमारे हौसले बढ़ते हैं दोबारा काम करने के लिए, लीगल अवेयरनेस फैलाने के लिए, लोगों को अवेयर करने के लिए, बताने के लिए, चूँकि ताकि फ्यूचर में कोई भी किसी भी धोखाधड़ी का शिकार ना हो सके, किसी मिलावटखोरी का शिकार ना हो सके। तो दोस्तों आशा करता हूँ समझ गए होंगे, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए।